आप ओके बोल दें फिर शुरू ओके। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा कृष्णा एग्री बिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। किसान भाइयों, यह गेहूं की फसल ग्राम कोबी पोस्ट कांटा यहाँ का ब्लॉक छतोह ब्लॉक है, सलोन यहाँ का तहसील है और जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश से। हमारे साथ यहाँ पर सभी बहुत ही उन्नत श्री कृषक भाई हैं, श्री विनीत तिवारी जी, श्री कृष्ण मिश्र जी और राम नरेश जी और अंकित भाई जी और हमारे जो है। तो इस तरह से ये सभी किसान भाई हमारे और हमारे सब जो बड़े भाई हैं, श्री कृष्ण मिश्र जी ये MCX कोऑर्डिनेटर स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, जो उत्तर प्रदेश का पूरा कार्यभार देखते हैं। और हमारे विनीत भैया जो है काफ़ी बड़ी यहाँ पर हर तरह की जो है सीजनल फसल होती है, जो चाहे वो आलू की हो, गेहूं, धान, ऐसी तमाम फसलें जो करते हैं। यहाँ पर किसान भाइयों ये मल्टीप्लायर उपयोग हुआ है और किसान भाई ने पहली बार मल्टीप्लायर उपयोग किया है। बगल में आपके वीडियो भी आपको दिखा दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से, उसमें मल्टीप्लायर उपयोग नहीं हुआ है और इसमें जो उपयोग हुआ है इसमें किस तरह से उपयोग किया हुआ है इस बारे में वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा अभी किसान भाई के माध्यम से। और इसमें उपयोग नहीं हुआ है उसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है, मल्टीप्लायर उपयोग करने से पहले क्या समस्याएं आती थी, क्या अंतर आता था अभी और पहले में, वो सब बताऊंगा। और खाद जो उर्वरक हम देते हैं यूरिया DAP या जो भी अन्य खाद देते हैं उनमें क्या अंतर आया है, क्या कमी आई है, ज़्यादा दिया गया है, कम दिया गया है या बराबर दिया गया है, वो या किस तरह दिया गया है, इन सब की जानकारी हम किसान भाई के माध्यम से लेंगे। तो आप ये आप बताएं कि जो ये फसल है आपकी लगभग कितने एकड़ में है, कितने बीघे में है? ढाई बीघे। ये ढाई बीघे की कुल फसल है और ये कौन सी किस्म है आपकी? 343। कितने दिन फसल ये? ये लगभग 160 दिन तक, ये लगभग 90 दिन की, 90 हाँ लगभग ये 90 दिन की फसल हो चुकी है। और वैरायटी है 90 दिन की, ये इतनी वक्त लगभग जो है 70 दिन, 70 दिन, 90 नहीं लगभग 60-8 दिन की, हाँ ये लगभग 60 दिन की फसल है इसकी बालियां। 90 दिन की, हाँ 90 दिन की, नहीं 60 दिन की फसल हो चुकी है ये लगभग। 90 दिन की फसल है ये 90 दिन फसल है अभी। और इसमें गेहूं की बालियों में फ्लावरिंग शुरू हो रही है। और अभी बताएं भैया कि जैसे कि एक बीघे में, मतलब यहाँ पर किसान भाइयों सबसे पहली बात बता दूं आपको, क्योंकि हर जगह बीघा छोटा बड़ा होता है, ये पक्का बीघा है, 20 बिसवा का एक बीघा होता है और एक एकड़ में 1.5 बीघा होता है, क्योंकि कहीं कहीं एक एकड़ में 5 बीघा भी होता है, 12-12 बीघा तक होता है, लेकिन यहाँ पर पक्का बीघा है, ये 2 एकड़ का प्लॉट है। तो अब आप मुझे भैया बताएं कि 2 एकड़ में आपने कुल अभी तक कितना यूरिया और कितना DAP उपयोग किया है? DAP तो इसमें एक बोरी पड़ी थी, मतलब 2 एकड़ में 50 किलो DAP आपने उपयोग किया अभी तक जी। और यूरिया अभी तक? यूरिया 2 बोरी अभी तक 2 एकड़ में 90 किलो 2 एकड़ में मात्र 90 किलो यूरिया पड़ी हुई है, डाली गई है। इसके बाद अभी यूरिया डाल देंगे? नहीं, इसमें यूरिया अब नहीं डालेगी। किसान भाइयों मैं आपको सबसे जरूरी बात बता दूं, जैसे कि मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं, मध्य प्रदेश में 1 एकड़ गेहूं की फसल में लगभग 3-5 बोरी यूरिया किसान उपयोग करते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी सबक है, यहाँ पर मात्र 2 एकड़ में 2 बोरी यूरिया उपयोग किया गया है और 2 एकड़ का मतलब कि 90 किलो यूरिया में पूरी खेती की गई है और 50 किलो मात्र DAP उपयोग किया गया है। तो सबसे बड़ी सबक ये है। और इसमें मल्टीप्लायर किस तरह दिया है आपने भाई साहब? मल्टीप्लायर एक बार यूरिया के साथ मिला के दिए हैं। अच्छा, मतलब मल्टीप्लायर आपने एक बार जमीन से यूरिया के साथ मिलाकर खेत में छिड़काव किया था? जी, क्योंकि पहले मिल नहीं पाई थी। जी जी, बाद में यूरिया जब डालने लगे हैं सिंचाई के बाद, जी जी, तो 1 किलो डाल दिए हैं दोनों में, जी मतलब 2.5 बीघे में पूरा जी। और उसके बाद छिड़काव किए थे एक बार जी, मतलब स्प्रे किया आपने? एक बार इसमें स्प्रे कुल कितना कितनी बार किया आपने? एक बार इसमें एक बार 2 एकड़ की फसल में लगभग 1 बार मात्र स्प्रे हुआ है, 1 बार यूरिया के साथ मल्टीप्लायर मिला के दिया है और दूसरी बार बहते हुए पानी साथ दिया है जी। तो कुल 2 एकड़ में कितना मल्टीप्लायर उपयोग किया अभी तक? 2 एकड़ में अभी तक कुल मिलाकर 2 किलो मल्टीप्लायर उपयोग किया गया है 2 एकड़ में। इसमें 1 बार यूरिया के साथ मिला के दिया गया था और 1 बार बहते हुए पानी साथ दिया गया था और स्प्रे में 1 बार किया गया है, उपयोग किया गया है।
तो अभी क्या जैसे मल्टीप्लाई उपयोग करने से इस पहले क्या रिजल्ट आता था, अभी क्या अनुभव ले रहे हैं भी आप? नहीं, अब की बार कल्ले कुछ ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब आपके जो फसल है उसमें कल्लों की संख्या ज्यादा है और बालियों कैसे क्या है भैया? बालियां भी बड़ी है इस बार। अरे फसल हर बार फसल से जो हर बार 80% अच्छा, मतलब 80% मान चले, इसका कलर तो देखने से। अभी हम लोग पहली बार यूज किए हैं जी जी, तो इसमें हमें पैदावार को तो नहीं बता सकते कितना होगा, लेकिन हर बार की फसल से अच्छी जो है कहते फसल हमें देखने में अच्छी लग रही है तो पैदावार भी अच्छी होगी जी बिल्कुल। बाकी हमारे यहाँ उसरीली जमीन है, हमारे यहाँ कितना भी डट के गेहूं होगा 5 क्विंटल बीघे ज्यादा नहीं होगा। जितनी मेहनत अब की बार इन्होंने किया है इसमें, इतनी मेहनत में 50% से कमजोर रहता था इससे, मतलब मान चलिए इसका आधा गेहूं रहता था हम लोगों का, और ज्यादा यूरिया ज्यादा डीएपी मतलब ज्यादा मेहनत करने के बाद आधा फसल मिलती थी हमें। अब हमने इसमें मान चलिए कि जितनी मेहनत मैं करता था उससे आधी मेहनत की है, हमारी फसल ये है जो दिखाई दे रही है जी। देखिए क्या भी है कि एक तो ऊसर में समस्या आती है, बहुत सारी होती समस्याएं होती है, उसमें आप खाद ज्यादा डाल दें तो फसल तब भी दिक्कत होता है, कम डाल दें तब और कम डालें तो फसल को असर नहीं करता है, वही चीज बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, फसल मल्टीप्लायर तकनीक से आपने जो उपयोग किया है इसमें क्या है, एक तरफ से ये प्राकृतिक खेती हम कहेंगे से उसकी आप और बढ़े हैं, और आपकी खाद जो आपकी खाद के खर्चे थे वो भी कम हुए हैं। एक तरफ आपने मल्टीप्लायर का खर्चा बढ़ाया तो एक तरफ आपका खर्चा कम हुआ कम हुआ है। दूसरी बात क्या है कि उत्पादन निश्चित है कि बढ़कर मिलेगा, जब खेती अच्छी दिखाई दे रही है तो उत्पादन तो ज्यादा होना ही होना है, चाहे वो थोड़ा ही ज्यादा हो जी। और दूसरी चीज मैं देख रहा हूँ भैया, आपने जो बगल की फसलें दिखा जी, ये बिना विदाउट मल्टीप्लायर के थोड़ा दिखा के दिखा दीजिए भैया कि इसमें जो फसल सेम डेट को लगभग बुवाई हुई है, लेकिन वो फसलें आप बिल्कुल पीली पड़ रही है और ये फसल बिल्कुल हरी है। मतलब वो फसल क्या है, अगर आने वाले 20 दिन तक जाएगी तो इसके दाने तब तक बनते रहेंगे और वजनदार होंगे, बड़े होंगे, कोई इसमें कोई कहीं से गुंजाइश नहीं है। तो इस तरह से किसान भाई, आप भैया आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों को? अब इससे तो ये मल्टीप्लायर के प्रयोग से पैदावार अच्छी, इसमें देखिए आप जी जी उसकी बाली में और हमारी बाली में अंतर जी। अभी जबकि दाने जब बढ़ गए, इसमें फ्लोरिकल्चर हो गया है, ये उस खेत का है। हाँ। ये हमारे खेत का है जी जी, देखिए आप बाली भी हमारी बड़ी हुई है, प्लस मतलब इसमें फ्लावरिंग अभी शुरू हो रही है, उसके बाद भी ये 2 अंगुल बड़ी है। दूसरे खेत की ये दूसरे खेत की बाली है, ये इसी खेत की बाली है, देखिए वैरायटी दोनों एक ही गेहूं की है, लेकिन इसकी बाली हमारी 1 अंगुल लगभग बड़ी है। और जो एक्स्ट्रा जो है जो माइक्रोन्यूट्रिशंस उपयोग करते हैं, जो दूसरी खादें उपयोग करते हैं सहायक रूप में, वो सब का भी उपयोग नहीं किया गया है इसमें, बिल्कुल पूर्ण रूप से बस यूरिया डीएपी वो भी आधी कर दी गई और मल्टीप्लायर इसमें डाला गया है जी जी। नहीं तो ये मुझे भी बहुत खुशी हो रही, क्योंकि हम आ रहे थे यहाँ पर बहुत ज्यादा समस्या थी जी, बीच बीच में पौधे होते थे नहीं होते थे। सिर्फ से भी तकनीकी की गई है, सिर्फ डिस जब बुआई हुई तब भी इतना अच्छा फसल नहीं हो पाई जी जी, जो कि उसमें बहुत अच्छा होता है, मतलब उसमें जो है जमाव ज्यादा होता है, उसमें जमाव भी ज्यादा होता है, फसल भी अच्छी होती है, लेकिन ये जैसी फसल दिखाई दे रही जड़ में जाती है जी, इस हिसाब से मतलब फसल नहीं थी जी जी। तो किसान भाइयों, मेरी तरफ से और हम सभी तरफ से एक ही आप लोगों बीच विशेष जो है बात है कि आप लोग मल्टीप्लायर तकनीक का उपयोग करें, आप जब समृद्ध होंगे, आप मजबूत होंगे, तो आपकी जो आय होगी वो भी ज़्यादा अच्छी होगी, फसल जब अच्छी होगी तो आपकी आय भी ज़्यादा अच्छी होगी, और जब आप समृद्ध होंगे तो देश विकसित होगा और देश भी समृद्ध होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ हम सभी किसान भाइयों की तरफ से जय हिंद जय भारत।